तो ये फिल्म अभी दिनेश जी के ऊपर निरहुआ द लीडर नाम से बनाया है। तो अभी ये दो पार्ट्स से बनाने के प्लान किया है। अभी फर्स्ट पार्ट में नेता कैसे बन गया, तो क्या सिचुएशंस इसको नेता करने के लिए हो गया, वो उसी बेस करके किया है, वो प्लाट करके। तो आजमगढ़ में शूट किया है, 30 डेज फर्स्ट शेड्यूल हो गया है। अभी दूसरा शेड्यूल गाना शुरू करने का है। गाना अभी सोच रहे, वो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से नेपाल में करना और कई कई जगह में, नेपाल इधर बम्बई में, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत अच्छा जोड़ी है सर, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा है दोनों के बीच। और मैं थोड़ा सा डिफरेंट सीन्स मैं प्लान किया हूँ, शूट किया हूँ। बहुत भीड़ आया है मैडम, तो एक पॉलिटिकल सभा रहता है ना, वैसा हो गया। आउटडोर बोले तो बहुत भीड़ है, मगर सब लोग बहुत कोऑपरेट किया है। तो दिनेश जी का एक बात बोलता है दिनेश जी, सब लोग साइलेंस होके बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। तो उन लोगों का कोऑपरेशन से बहुत अच्छा फिल्म बना है। नहीं मैडम से मैं फर्स्ट टाइम मिला है, तो मैं एक रिक्वेस्ट किया हूँ। मैं मैडम अभी हम बना रहे, तो मेरा एक आप मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन बोले तो, एक आपका लुक एकदम आप स्लिम होना है ना, तो वैसा मैं पहला फर्स्ट मीट में मैं ऐसे बोला हूँ। तो मैडम भी मेरा बात मान के बहुत कोशिश करके एक ज़बरदस्त लुक, या गाना साथ गाना है, रजनीश मिश्रा जी म्यूज़िक दिया है, तो डायरेक्टर है, फिर भी मेरा बात मान के उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक, एक नंबर लेवल में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। दिनेश जी, आम्रपाली जी और संजय पांडे, किरण यादव जी, स्पेशली मैं किरण यादव जी से के बारे में बोलने का है। वो तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दादी माँ कैरेक्टर है, जो इंस्पायर करता है, करती है दिनेश जी कैरेक्टर का, तो वो मैडम ने किया है, वो बहुत अच्छा किया है। तो संजय पांडे जी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने भी, वो थोड़ा सा वो कॉमेडी मिक्स करके विलनी है, वो बहुत अच्छा काम। हाँ वो गाना रजनीश जी डिज़ाइन करने के बाद एक मामूली करे तो अच्छा नहीं रहता, तो एक सेलिब्रिटी से करवाए तो अच्छा रहता है, ऐसा सोच आया है। मैं प्रोड्यूसर साहब को बोला हूँ, तो प्रोड्यूसर साहब इमीडिएटली ज़्यादा रेमुनरेशन दे के भी मैडम को फाइनलाइज किया है। तो वैसे प्रोड्यूसर साहब का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साथ दिया है ना, बजट के बारे में पीछे नहीं गए, अच्छा बजट करके फिल्म अच्छा बना। एक्शन कैसा है फिल्म एक्शन के लिए मैं कन्नड़ा साउथ से लेके आया हूँ, थ्रिलर मंजू जी बोल के, बहुत सीनियर स्टंट मास्टर है, कम से कम 500-600 मूवीज किया है स्टंट मास्टर, तो काफ़ी नाम है साउथ में। तो मेरा पहला फिल्म मैं तेलुगु में किया है, फर्स्ट फिल्म लंदन में किया है, वो फिल्म का इन्हों स्टंट मास्टर है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, तो ऐसा भोजपुरी फिल्म पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो आप आके स्टंट्स आप एक अलग तरीक़ा से डिज़ाइन करना है बोल के, तो सर आया है, बहुत उन्हों इनका काम देख के बहुत लोग तारीफ़ किया है, और दिनेश जी स्पेशली दिनेश जी बहुत इंप्रेस हो गया, फाइट्स बहुत अच्छा है। संतोष मिश्रा जी, हाँ, मेरा लक क्या है, भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स मेरे साथ दिया है, तो एक संतोष मिश्रा जी ने स्क्रिप्ट दिया है और रजनीश मिश्रा जी ने म्यूज़िक दिया है ना, तो एक अच्छा क्वालिटी से फिल्म निकालने के लिए संतोष जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, वो अच्छा कोऑपरेट किया है और रजनीश जी भी दिया है। या ये होली अच्छा सीजन होली में करने के लिए तैयार कर रहे, तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, गाना वाना सब शूट करके अभी DIV सब मैं हैदराबाद में करा रहा हूँ, अच्छा हॉलीवुड टेक्नीशियंस है उधर, हॉलीवुड में काम किया है वो लोग से, कलर करेक्शन का काम सब करवा रहा हूँ मैं, तो ये सब के लिए टाइम होना चाहिए, तो होली अच्छा होली में रिलीज़ करने के लिए। मेरे को बहुत पहले पॉइंट सोचता है, एक उम्मीद से हम कहानी लिखता है और सब कुछ काम करता है, मगर ऑडियंस डिसाइड करना है,
क्या है, हम अच्छे लेवल में बनाने की, अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करता है। मगर साथ में जो भी काम किया है सब लोग बोला है बहुत अच्छा फिल्म बन रहा है बोल के, तो ऑडियंस डिसाइड करने का है। नहीं, सबसे अभी दिनेश जी का विदाउट इस सपोर्ट हम तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिल्म का बैकबोन है दिनेश जी हैं, तो उन्होंने फिल्म का बैकबोन है दिनेश जी, उन्होंने साथ में खड़ा के हर एक चीज़ साथ में रह के उन्होंने दिवाली एक कलरफुल इवेंट